कि कबीरदास जी प्रहलाद जी के अवतार। उनमें भक्तराज श्री प्रहलाद जी ही कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुए। हे परमात्मा आखिरा इस कलियुग की कोई भी सच्ची कहानी इंसान इस पृथ्वी पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक सवाल सभी कबीरपंथियों के मन में रहता है कि आखिर कबीर जी है कौन? एक भगत है, भगवान है, या संत या गुरु है? आखिर कबीर जी है कौन? कुछ लोग तो कबीर जी को अवतारी मानते हैं, यानी अवतार लेकर आए हुए मानते हैं। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं कि आखिर कबीर जी है कौन। तो पहले हम आपको उन महापुरुषों से मिलाते हैं, उन महानुभाव से मिलाते हैं जो कबीर जी को अवतारी मानते हैं। कि कबीर दास जी प्रहलाद जी के अवतार थे। अब आप प्रमाण मांग रहे हैं संत कबीर दास जी किसके अवतार थे और इसका प्रमाण किस ग्रंथ में है, तो बताने की कृपा करें। आप उत्तर देंगे कबीर ने सुबह बताया इनको, तो इसका जो प्रमाण है वो भक्तमाल ग्रंथ में आया है और अलग से ग्रंथ है श्री रामानंद चरितामृत, उसमें भी है और भक्तमाल की व्याख्या में भी है। दोनों में इसका प्रमाण आया है। और प्रश्न जैसा कि रात में ही आ चुका था, रात्रि को ही, तो हमने प्रमाण भी लिख रखा है कागज में। हाँ बताइए। उसमें आया है बंदो श्री प्रहलाद जिन धारियो श्री प्रहलाद जिन धारियो रूप कबीर रूप कबीर कली मर्दन वीर बर सिद्धि समर रणधीर। ये प्रमाण आया है इसमें, उस ग्रंथ से लिया गया के रूप में प्रकट हुए। तो द्वादश महाभागवतों में ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, प्रहलाद जी ये सब हैं। उनमें भक्तराज श्री प्रहलाद जी ही कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुए। तो आपने देखा कि ये संत जी किसी ग्रंथ में से प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन हमने तो सुना है कि हिंदू धर्म में 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, 18 पुराण और 4 वेद ही शास्त्र हैं। और मुसलमान धर्म में कुरान को ही महत्वपूर्ण माना गया है। और सिख धर्म की माने तो वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही महत्वता दी गई है। और बात करें ईसाई धर्म की तो वहाँ पर बाइबल को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन ये संत जी पता नहीं किस ग्रंथ को उठाकर लाए हैं जिनमें ये बता रहे हैं कि कबीर जी अवतारी हैं। तो चलिए आपको वास्तविकता से रूबरू कराते हैं कि आखिर कबीर जी है कौन। तो हम आपको 3-4 धर्मों में से प्रमाण बताएंगे और उनके शास्त्रों में से प्रमाण बताएंगे कि आखिर कबीर जी है कौन। तो पहले बात कर लेते हैं हम हिंदू धर्म की कि आखिर हिंदू धर्म में कबीर जी क्या है, और इसका प्रमाण हम वेदों से लेंगे। ये यजुर्वेद ये महर्षि दानंद सरस्वती जी द्वारा अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली। ये इनके फैक्स फोन नंबर है। अब देखो अध्याय नंबर 5 का और श्लोक नंबर 32 मंत्र नंबर 32। पंचमा अध्याय और ज्ञान देख 32वां मंत्र है ये। इसमें लिखा उसी गसी, ये संस्कृत है, मूल संस्कृत। कबीर अंगारी असी, कबीर हम इसको कबीर बोल दे अपनी भाषा में, कबीर हम कबीर कहन लगे, ये कबीर है। कबीर अंगारी असी बम्भारी अवसुर असी, ये बम्भारी बम्बारी। और यहाँ देखो हायु हवे सुदनम रत धामा असी सवर ज्योति। अब इन 2-3 शब्दों को हम इन्हीं के अनुवाद में देखेंगे कितने यथार्थ है। अनुवाद है महर्षि दानंद जी द्वारा किया हुआ। हे जगदीश्वर जिस कारण आप, उसी के माने कांति मान असी माने हैं। चलो यहाँ देखो ये लिखा कबीर अंगारी असी, इन्होंने इसका अर्थ लिख दिया अंगारी तो यहाँ ले लिया और कवि का 2 अपसर्ग लगा दी तो यहाँ कांत प्रजय बना दिया, कवि माने कांत प्रजय है। अपुनात्मा देखो अब ये यजुर्वेद है,
इस यजुर्वेद के बारे में यदि कहीं पर भी कोई जिक्र चल रहा है, ये देखिएगा, ये है 36वां अध्याय है यजुर्वेद का। इसमें यहां लिखा है, रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे। अब ये यजु लिखा, यजुहु। अब इसको हम यजुर्वेद बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं, यजुर्वेद। जैसे इन्हीं के शब्दों में स्वामी जी ने यहां इसका अनुवाद किया है, ये देखो, रचम ऋग्वेद रूप वाचम वाणी को परपधे प्राप्त हूं मन मनन करने वाले अंतःकरण के तुल यजुहु। यजु को इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही, ये अनुवाद सही है। यजु यहाँ यजुर्वेद लिखना जरूरी था। यजु का क्या मतलब, यजु से हमें पता लगेगा ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी दी जा रही है। यजु पर पधे, तो यजुर्वेद को प्राप्त हो, यजु यजु लिखा है ना, इसका हम अर्थ करते हैं यजु माने यज्ञ सतुतियाँ। यजु का अर्थ होता है यज्ञ सतुतियाँ। तो यहाँ यज्ञ सतुतियाँ लिख देते तो कैसे पता लगता कि यजुर्वेद के बारे में है। तो ये हम इसी प्रकार इसको यजु को यजुर्वेद लिख दिया। और हम इस कबीर को इन्होंने यहाँ कवि संधि छेद करके इस 32वें 5वें अध्याय को, वो 36 का प्रथम अंतर था यजुर्वेद के अध्याय का, ये 5वें का 32वां है। इसमें इन्होंने इस कबीर को आज इसको कवि अपसर्ग लगा दिए, रह हटा दिया। तो यहां हमने लिखना चाहिए था अंगारी माने खोटे चरण वाले जीवों के शत्रु। अंग अग माने पाप होता है, अंग माने भी पाप ही होता है, अपराध। अंगहरी अंगारी अंग अरी, अग माने पाप के, अरी माने शत्रु। ये लिखना था पाप के शत्रु। और कबीर यहां लिखना था कबीर देव हैं, वो कबीर परमेश्वर हैं, पाप नाशक कबीर परमात्मा हैं। यहां कबीर देव लिखना था, कबीर हम कबीर साहब कहें, कबीर हम वै को वै बोलते हैं, वेदों को वेद बोलते हैं हम, तो अपनी भाषा में इस कबीर देव को हम कबीर साहब कहने लगे। आगे देखो, और बमभारी, ये देखो ना, कबीर कबीर अंगारी असी बमभारी असी बमभारी अवसुर असी। इन्होंने बम भारी का अर्थ बंधन के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम माने बंधन, तो अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, पाप के शत्रु, पाप नाशक, पाप विनाश करने वाले, बंधन के शत्रु, बंधन काटने वाले, बंधन का नाश करने वाले, हम उनको बंदी छोड़ के हैं, जो बंध से छुड़ाने वाले। केवल भाषा का शब्दों का अर्थ है, बाकी महिमा वही है प्रभु की। यहां देखो, इन्होंने रित धामा ये लिखा है, रित धामा असी सवर ज्योति। तो यहां लिखा है, इसने अनुवाद किया स्वामी दानंद ने, रित धामा सत धाम। अब धाम कहो चाहे लोक कहो चाहे स्थान कहो, सत कहो अविनाशी कहो शाश्वत कहो, तो सत धाम कहो चाहे सतलोक कहो, वो परमात्मा सत धामा सत धाम वाला है, सतलोक वाला है, सतलोक युक्त है, असी माने है। और सवर ज्योति का अर्थ होता है स्वयं प्रकाशित, ये अनुवाद ठीक नहीं है। सवर ज्योति स्वयं ज्योति, सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित। यहाँ देखो, रित धामा असी सवर ज्योति, वो स्वयं प्रकाशित है, यानी तेजो में शरीर युक्त है, साकार है, और वो सतलोक में रहता है। रित धामा, रित धाम माने सत धाम, सत धाम कहो, सतलोक कहो, शाश्वत स्थान कहो, अविनाशी लोक कहो, वो वहाँ रहता है। अपुणात्मा परमात्मा पाप नाश करता है, और वो है कौन, ये भी नाम बता दिया, कबीर असी, वो कबीर देव है। अब ये उसको कवि बोलते हैं, कहते हैं ये कवि को तुम कबीर कैसे बना रहे हो, हम नहीं बना रहे, हम तो अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि जिसको तुम कबीर देव कहते हो, हम कबीर देव बोलने लगे, कबीर देव, और देव माने परमेश्वर। तो आपने देखा कि वेदों में कबीर जी को क्या बताया गया है, कबीर जी को भगवान बताया गया है। अब आपको बताते हैं कि कुरान के अनुसार कबीर जी कौन है। अब यहाँ कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, खबीरा कहो,
ये इसी परमात्मा का एक भाषा में भिन्नता मंत्र है। अब यही नौकीनु कुरान शरीफ है ना, कुरान मजीद नाम है इसी का, सिर्फ लिखने में अंतर किया है राइटर ने अनुवाद करते समय, वो कबीरन लिखो चाहे कबीरा लिखो एक ही बात है। देखिएगा ये कुरान मजीद है, वही की वही नौकीनु, इसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन ये मजीद लिख दिया अरबी मऊ अरबी मतन, यानी प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6 से। ये कुरान मजीद मुर्तजमा है मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक हैं फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली इतने। अब इसमें सूरत फुरकाली पर आते हैं, अक्षर का भी अंतर नहीं है इसके अंदर, उतना ही है। सूरत फुरकानी 25 और पृष्ठ नंबर है इसकी, इस पर 570 है, उसमें 604 है कुरान शरीफ में। अब यहाँ आते हैं नीचे एज इट इज, इसमें नहीं अंतर माड़ा सा भी 51 है ये, 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन ने व जिहादम बिही जिहादन जिहादन कबीरा, कबीरा कहो कबीरन कहो कबीर कहो खबीरा कहो, ये सिर्फ इसमें कबीरा लिखा उसमें कबीरन लिखा है। अब इसको कबीर कहो एक ही बात है, इससे तो इतना लेना। अब हम फिर कुरान शरीफ को ही लेते हैं। अब हमने ये जो पढ़ा है ये कुरान मजीद देखा था, अब कुरान शरीफ को फिर लेते हैं, इसका अनुवाद इससे देखेंगे। अब देखो ये कुरान शरीफ फिर लेते हैं, वो मजीद थी ये कुरान शरीफ है, और इसके अनुवादक प्रकाशक पहले हमने दिखा दिए हैं, ये सारा लखनऊ किताबघर से ये प्रकाशित है, मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से। अब हम इसके आते हैं 604 पृष्ठ पे, 604 पृष्ठ पे, और वही है इस कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 नीचे आते हैं, ये 52 आयत है। फला तुतियल काफिरन जाहिदुम बीही जिहादन कबीरन, ये कबीर कहो कबीरा कहो कबीरन कहो, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ये क्या कहता है यहाँ पर कि ए पैगंबर, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अपने पैगंबर को बोल रहा है तुम काफिरों का कहा न मानना, वो काफिर नहीं मानते भगवान को, वो तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से, कुरान की दलीलों से मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूँ इसके आधार से उनका सामना करना, उस कबीर के लिए जिहादन कबीरन, उस कबीर के लिए कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं, जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता, संघर्ष करना, उनकी बातों में ना आना, सीधी सी बात है। अब देखो अब हमने 52 का अर्थ पढ़ लिया, अब 607 पर सूरत फुरकानी 25, और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसीब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ के करने में शक्तिमान है, और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं देवताओं को जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, और काफिर तो अपने परवरदिगार से यानी कबीर से कबीर अल्लाह से मुंह मोड़े बैठे हैं, पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 56 में या 55 समाप्ति, और 56 में कहा कि ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा। 57 में कहा है कि इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म का पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में कमाल कर दिया, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, चैतन्य नहीं कबीर परमात्मा, जैसे अच्छी आत्माओं को मिलते हैं वेदों में आपने पढ़ा, ऐसे आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, ऐसे ही आदरणीय मोहम्मद साहिब जी को मिले थे इस जिंदा महात्मा के रूप में, लेकिन इन्होंने इनकी बात को स्वीकार नहीं किया था। और वो कुरान शरीफ ज्ञानदाता कहता उस जिंदा पर भरोसा कर रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, वह जिंदा महात्मा रूप में तुझे मिला था,
और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी गीता ज्ञान दाता किसी और अल्लाह की पाकी बयान करने को कह रहा है और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफ़ी खबरदार है। ये कबीर है, यहाँ पर ये 58 नंबर आयत है, यहाँ देखो 58, ये 58 है, यहाँ पढ़ेंगे। ये खबीरा लिखा है, इबादही खबीरा, इबादही माने पूजा के योग्य, वो कबीर है। इबादत, इबादत माने पूजा, इबादही यानी पूजा के योग्य, वो कबीर है। कबीर 58, यहाँ फिर हम आएंगे इसके, ये 58 हम पढ़ रहे हैं कि वो अपने भक्तों के, वो जिंदा रूप में तुझे मिला था उस पर भरोसा रख, वो अविनाशी परमात्मा है और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खूब खबरदार है, यानी पाप नाश कर देता है, वो कबीर खबरदार है। कबीर लिखना था, कबीर अल्लाह, अल्लाह अकबर, जानता है सब कुछ। अब 59 में कमाल कर दिया, और जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा, वो अल्लाह बड़ा। अभी इन्होंने यहाँ भी कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, वो अल्लाह कबीर है, ये लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। ये 59 में, यहाँ देखो, ये फिर 59 आ गई, इसमें फिर खबीरन लिखा है, अरहमानू फसल भी ही खबीरन, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, तो इन्होंने इसका अर्थ भी बड़ा कर दिया। अब फिर पढ़ेंगे इस 58 नंबर को, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया। जो पवित्र बाइबल जो ज्ञान देता है, 60% ज्ञान वही कुरान शरीफ में है। 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, वो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो भगवान कबीर है, बड़ा दयालु है, रहमान है। और उसकी खबर, उसकी जानकारी किसी बाखबर इलम वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस अल्लाह यानी बड़े भगवान, जिसको ये बड़ा कहते हैं वो ही मान ले, उसके बारे में अल्पज्ञ है, उसकी जानकारी नहीं रखता। उसके लिए स्पष्ट किया है कि वो साकार परमात्मा है, उसका नाम कबीर है, 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, तो वो विराजमान हुआ है। तो एक देशीय है और साकार है, मनुष्य सदृश है, वो पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर। तो आपने देखा कि कुरान के अनुसार कबीर जी वो अल्लाह है जिसकी इबादत सभी मुसलमान धर्म के लोग करते हैं। कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकला है कि कबीर जी न तो संत है और न भगत है और न गुरु है, वो भगवान है, लेकिन वो सारे गुण भी कबीर जी में है, एक भगत के गुण भी हैं और संत के और एक गुरु के गुण भी हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उन नकली कबीरपंथियों के तक ये ज्ञान पहुँचे कि आखिर कबीर जी है कौन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।